मित्र की भी उसमें कई केस में खामियां हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि कोर्ट में क्या है वो शिक्षा मित्रों का मसला है, लेकिन मेरा मानना है, आपने भी बताया कि उसमें केस में कई बड़ी भूल चुके हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल बात की। हालांकि मैं उस दिन काफी बिजी था तो मैं नहीं जा पाया, हालांकि वो रुके भी थे एक दिन दिल्ली में। कोर्ट न्याय तो देता है लेकिन न्याय आधा अधूरा होता है और उसमें सरकारें फिर अपने मंसूबे से न्याय तय कर देती हैं कि कहां हमारे कौन कौन से शब्द काम के हैं वो प्रयोग कर लेती हैं, जो अनप्रयोग हैं उन्हें छोड़ देती। जी सर, सर आज भी दो शिक्षा मित्रों की हृदयघात से मृत्यु हुई और एक की तो विद्यालय में ही हुई है और एक की आज रात को लगभग 3 बजे के आसपास हुई है। तो मैं उन दोनों साथियों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और साथ में सर मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप बीजेपी भी एक व्यक्ति को, प्रवक्ता को अपनी डिबेट में जरूर बिठाने का कष्ट करें, जिससे कि आपके सामने आते हैं। जी रोज नहीं आते, नहीं आते हैं वो, रोज इसलिए नहीं आते कि नौ लोग होते एक साइड, एक आदमी एक साइड होता तो सामना करने से कतराता है। हमें बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूँ, वो सामना करने से कतराते हैं। जब नौ आदमी सवार हो जाते हैं तो फिर वो जवाब क्या देंगे, वो भी जानते हैं। और कई लोग प्रवक्ता स्वीकार करके गए कि भाई आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, आपके सामने स्वीकार करके गए, ये मैं नहीं कहता हूँ बनावटी बात। जी तो सर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लगभग 45 से 50 की उम्र के बीच के हैं और अब लगभग यदि हम 62 वर्ष तक भी नौकरी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 वर्ष, इससे ज्यादा कोई भी शिक्षा मित्र नौकरी नहीं करेगा।